नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में गुरुजी द्वारा फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 3 स्त्री जांच में कुल 50 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी करते पाए गए हैं, जिनके खिलाफ बर्खास्तगी के साथ FIR भी दर्ज करा दी गई है, जबकि कई शिक्षक जेल की सलाखों में हैं। बावजूद इसके जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फर्जी शिक्षकों के मिलने का क्रम जारी है। आजमगढ़ जिले में वर्ष 2018 शिक्षा विभाग में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सहारे जब नौकरी करने वाले अध्यापकों का मामला सामने आना शुरू हुआ तो सरकार ने STF को जांच सौंप दी। STF ने जांच शुरू की, जिसमें 3 शिक्षकों को पकड़ा। इसके साथ SIT व जिला सतर्कता सीमित जांच में अब तक कुल 50 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच जैसे जैसे तेजी से होता जा रहा है, एक एक कर शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जिनके खिलाफ बर्खास्तगी के साथ विभाग मुकदमा भी दर्ज करा रहा है। अब तक कई शिक्षकों को पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में जेल भी भेज दिया है। बावजूद इसके फर्जी शिक्षकों के मिलने का क्रम जारी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार का कहना है कि किसी भी फर्जी शिक्षक को बख्शा नहीं जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन में फर्जी मिले शिक्षकों की सेवा समाप्ति और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई जारी है। जनपद से जुड़े हुए पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में डबल पेन या सर्टिफिकेट का मामला है, उसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद फर्जी शिक्षकों में उनके अहाई वेतन की रिकवरी को लेकर वित्त लेखाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज व हरैया प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2 और शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश पारित कर दिया गया है। जनपद आजमगढ़ में जो फर्जी शिक्षक हैं, वो STF के द्वारा 3 और SIT के द्वारा 10 और कुल जिला स्तर से जो एक सतर्कता समिति बनी है, कुल मिला के 50 शिक्षक फर्जी पाए गए, जिनके सेवा समाप्त करते हुए संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई गई। और ये केवल जनपद आजमगढ़ में नहीं, सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जहां फर्जीवाड़ा है, चाहे वो डबल पैन नंबर का मामला हो, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो, उन सब में जांच के दौरान जो भी फर्जी पाया जा रहा है, सब पे सेवा समाप्त के साथ साथ FIR दर्ज भी हो रही है। कोई भी जो फर्जी टीचर है वो बख्शा नहीं है। तो किस आधार पे कार्रवाई हो रही है, कैसे उनको चिन्हित किया जा रहा है? सत्यापन कराया जाता है संबंधित बोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन किया जाता है, उसी में फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर फर्जीवाड़ा संज्ञान में आ जाता है, उनकी सेवा समाप्त की जाती है। जैसे टेट में टेट का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, ऑनलाइन चेक किया, या उसको संबंधित संस्था को सत्यापन के लिए भेजते हैं, सत्यापन के बाद यदि उसमें डिफरेंस आता है तो कार्रवाई की जाती है। सेवा समाप्ति के उपरांत और अन्य क्या कार्रवाई हो रही है? सेवा समाप्ति के बाद FIR दर्ज होते हैं, FIR में अपना पुलिस जांच करती है सभी बिंदुओं पे, जो भी आगे कार्यवाही है पुलिस के द्वारा होती है। कोर्ट और जो सर इतना सैलरी वो आहरित कर लिए होते हैं, तो उसके रिकवरी के लिए क्या प्रयास होते हैं? रिकवरी के लिए प्रयास है कि वित्त लेखाधिकारी को उसका आकलन करने का, मतलब शुरू से अब तक कितना इन्होंने वेतन प्राप्त किया, वो भेजा जाता है और उनको भी पत्र निर्गत किया जाता है कि आपके इतना, आपने इतना सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है, इसको इस तरह जवाब। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।